अभी जैसे चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर की यार भाई एमपीआर का बायकॉट किया जाए तो क्या करना चाहिए ये इसको? अब अगर ये कहा जाए मुसलमान बायकॉट कर रहा है तो यहाँ पर मीडिया तो यही प्रोपेगेंडा कर रही है, गोदी मीडिया मुसलमान बायकॉट कर रहा है तो बिहार ने बायकॉट किया तो क्या मुसलमान ने किया है? बंगाल की गवर्नमेंट ने किया, पास किया वहां उन्होंने किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसका बायकॉट कर रही है लेकिन गोदी मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रही है? मुसलमान कर रहा है, मुसलमान कर रहा है। ये बात मुसलमान हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये इंडियन सिटीजनशिप के राइट की बात है। इसको इसी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए और इसी तरह से ये सवाल आना चाहिए कि 80% पॉपुलेशन इस जंजाल में जाएगी, डेवलपमेंट रुकेगा, लोग डिवाइड होंगे, इंतजार फैलेगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लोग परेशान हैं। ठीक है, क्लर्कियल जॉब हिंदुस्तान का मशहूर जॉब है कि आदमी सारी कमाई ले जाके वहां झोंक दे, इतना पेट उनका बड़ा होता है कि सब हजम हो जाता है, लोगों के खेत बिक जाते हैं लेकिन एक क्लर्क की जरूरत पूरी नहीं होती। ये आसनी जमाने से हम जान रहे हैं और हर हिंदुस्तानी त्रस्त है इस जॉब से, क्योंकि भाई क्लर्क के पास न जाना पड़े, बाकी सब जहां चले जाएंगे। तो रास्ता खुल रहा है, वे कागज साहब इसमें स्पेलिंग नहीं है, चलिए दौड़िए पैसे दीजिए, तो जिनके पास पैसा वो तो कर लेंगे, जिनके पास बेचारों के पास नहीं वो क्या करेंगे, मजदूर तबका क्या करेगा? जैसे एसटी एससी ओबीसी मुस्लिम सभी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने यहां की फैसला किया, राजस्थान ने किया, पंजाब ने किया, अब क्या नाम है दिल्ली ने किया, बिहार ने किया है, अब क्या नाम है बंगाल ने किया, बहुत सी हुकूमतों ने किया है। 85% पॉपुलेशन को प्रॉब्लम है, चाहे वो एनपीआर हो चाहे वो एनआरसी हो, इसको खामखा मुसलमान मुसलमान करके। इस वक्त तो मैं कहता हूं कि 85% पॉपुलेशन को खड़ा होना चाहिए कि मुसलमान जो है उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस वक्त निकलकर उन गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, उस तबके की लड़ाई लड़ रहा है जिनके पास पेपर्स नहीं है। तो बात इसकी होनी चाहिए, ये गरीबों की जंग है, मुसलमान की नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का नहीं है। 85% पॉपुलेशन मुसलमान की नहीं है इस मुल्क में, इस मुल्क में पॉपुलेशन तो मुसलमानों की सिर्फ 15% है, तो 85 इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो मुसलमान का कहां से मामला हो गया? तो आवाज उठाना ये जुर्म नहीं है कि मुसलमानों ने आवाज उठा दी, ये हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ अगर कहीं हो रहा है, जाति हो रही है, तो उसके लिए आवाज उठाए।